हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना दोस्त विजय जैन आपके सामने है एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, रेडियो हम सब सुनते हैं, एफएम हम सब सुनते हैं, और एफएम के ऊपर अलग अलग चैनल होते हैं। 94.3 होता है, 92.7 होता है, 101.6 होता है। ये सारे बैंड्स जो होते हैं जिसपे अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हम बार बार बैंड चेंज करते हैं और अलग अलग तरह के गाने सुनते हैं। गाड़ी में कहीं जाते हैं तो बार बार हम बैंड चेंज करते हैं और अलग अलग तरह के गाने सुनते हैं। क्या कारण है कि गाने बजते हैं? जैसे ही आपने बैंड चेंज किया, गाना बज गया। क्या कारण है? सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमारे आसपास कुछ तरंगे, कुछ मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन सब बैंड्स की, इन सब चैनल्स की। तो जो बैंड हमने सेट किया है, हमारा एफएम उस बैंड की वेवलेंथ को कैच करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैच करता है और वो वाला गाना बजने लगता है। मान लीजिए आपने एक बैंड सेट किया 94.3, ठीक है, और उस बैंड पर एक पुराना दुख भरा सैड सॉन्ग आ रहा है। थोड़ी देर में आपका दिमाग भारी हो गया, आपको वो गाना सुनने की इच्छा नहीं है, आपने बैंड चेंज कर दिया। बैंड चेंज करते ही क्या हुआ? गाना चेंज हो गया, है ना। अब देखिए कि वो जो बैंड पहले थी, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले थी जिससे पुराना गाना आ रहा था, सैड सॉन्ग आ रहा था, दुख भरा गाना आ रहा था, अब भी आपके आसपास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घूम रही है, लेकिन चूंकि आपने बैंड चेंज कर दिया तो वो आपके एफएम पर नहीं आ रही है। यानी कि हर तरह की वेव्स आपके आसपास है, हर गाने की वेव्स आपके आसपास है, लेकिन आपको अपने एफएम पर, आपको अपने रेडियो पर कौन सी बैंड चाहिए, कौन सी वेव्स चाहिए, ये आप तय करते हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमारे आसपास माहौल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वेव्स, दोनों तरह की एनर्जी घूम रही है। हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे आसपास के माहौल में, एटमॉस्फेयर में दोनों तरह की एनर्जी घूम रही है। अब हम किस तरह की एनर्जी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। फर्क इतना सा है कि हमारे पास कोई बटन नहीं है, कोई खटका नहीं है, कोई स्विच नहीं है जिसे घुमाकर हम बार बार चेंज कर सकें। हमारा बटन हमारे दिमाग के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, हम जो बटन दबाएंगे वही वाली वेव्स हमारे पास में आएगी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप हर समय पॉजिटिव बात सोचते रहते हैं, हर समय पॉजिटिव लोगों से मिलते रहते हैं, हर समय पॉजिटिव किताबें पढ़ते रहते हैं, हर समय पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, यानी सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि इनडायरेक्टली आप पॉजिटिव बटन दबा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वातावरण में पॉजिटिव वाली है वो आपके पास में आ जाएगी। यानी कि आपने पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट किया है, तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव वाला बटन दबाना पड़ता है, सब कुछ पॉजिटिव करना पड़ता है, और नेगेटिव वेव्स को इन्वाइट करने के लिए नेगेटिव सोच लानी पड़ती है, नेगेटिव वाला बटन दबाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में सफलता आपके पास में आए, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो आपको यह दृढ़ संकल्प करना होगा कि आज से, अभी से, इसी क्षण से, इसी वक्त से आप नेगेटिव सोचना छोड़ देंगे, नेगेटिव चीज देखना छोड़ देंगे, नेगेटिव लोगों से बात करना छोड़ देंगे, नेगेटिव लोगों से मिलना छोड़ देंगे, नेगेटिव दृश्य, नेगेटिव मूवीज, नेगेटिव सीरियल देखना छोड़ देंगे। जहां भी नेगेटिव शब्द नजर आ रहा है, नेगेटिव चीज का हल्का सा भी अंश नजर आ रहा है, उससे आप दूर हो जाएंगे, और इसका उल्टा सब कुछ पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव लोगों से बात करेंगे, पॉजिटिव किताबें पढ़ेंगे, पॉजिटिव मोटिवेटर्स की वीडियोस देखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, पॉजिटिव दृश्य देखेंगे, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं। अगर ये काम आप लगातार 21 दिन कर लेंगे तो 22वें दिन आप देखना आपके जीवन के अंदर सब कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।